जी हाँ दोस्तों स्वागत है आपका इस विजी चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम यूजीपीजी एडमिशन के बारे में दोस्तों आपको पता है कि मैं एडमिशन से संबंधित आपको हर अपडेट दे ही रहा हूँ तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एक कमेंट है जो आपका सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है सोचा मैंने उस कमेंट पर एक कम्प्लीट वीडियो बना देता हूँ जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो दोस्तों वो कमेंट क्या है कि आपने अभी एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर में किसी भी यहाँ पर आपने एडमिशन लिया हो किसी भी का भी मतलब है किसी भी राउंड में ठीक है आपको पता है आप ई प्रवेश के माध्यम से इसकी एडमिशन प्रोसेस चल रही है अगर हम मध्य प्रदेश में बात करें तो ई प्रवेश के माध्यम से काउंसलिंग चल रही है यहाँ पर अभी तक सात राउंड कंप्लीट हो चुके हैं अगर दोस्तों आपने किसी भी राउंड में एडमिशन लिया है ठीक है एडमिशन लेने का मतलब क्या होता है कि आपने यहाँ पर एडमिशन फीस जमा कर दी ठीक है आपने किसी भी राउंड में एडमिशन फीस जमा की है अब दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट के बस कमेंट आ रहे हैं कि सर हमने यहाँ पर जो एडमिशन फ़ीस चली थी एक हज़ार रुपये प्लस एनरोलमेंट चार्ज या आपने किसी स्कीम का या किसी योजना का लाभ लिया है तो वहाँ पर दस रुपये प्लस एनरोलमेंट चार्ज आपने जमा किया होगा तो दोस्तों आपने फ़ीस जमा तो कर दी एडमिशन फीस आपने जमा कर दी अब इसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बता दूँ यहाँ पर इसके बाद में आपको एक इम्पोर्टेंट काम करना होता है कौन सा काम करना होता है देखिए एडमिशन फीस यानी कि एक हज़ार रुपये जमा करके आप ये मत समझना कि आपका एडमिशन कंप्लीट हो गया जी नहीं बिल्कुल नहीं अभी केवल और केवल आपका पचास परसेंट एडमिशन कंप्लीट हुआ है तो दो बाकी का पचास परसेंट एडमिशन कंप्लीट कैसे होगा तो बाकी का जो पचास परसेंट एडमिशन कंप्लीट होगा ना अब वो एडमिशन फ़ीस जमा करने के बाद होगा अब दो एडमिशन फीस जमा करने के बाद हमें क्या करना होता है कि जब हमारे कॉलेज स्टार्ट हो जाते हैं जब हमारे कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो जाती है तो हमें अपनी जो डॉक्यूमेंट होती हैं जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना आपके जो डॉक्यूमेंट होती हैं जितने भी समझ दस्तावेज हैं आपके उन सभी डॉक्यूमेंट्स को कॉलेज में जा कर के जमा करना होता है जैसे कि आपकी टीसी जैसे आपके माइग्रेशन सर्टिफिकेट टेंथ मार्कशीट ट्वेल्थ मार्कशीट ये सारे जो डॉक्यूमेंट होती हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज में जा कर के जमा करने होते हैं जैसे ही आप कॉलेज में जमा कर देते हैं आपका बाकी का जो पचास परसेंट एडमिशन होता है वो भी कम्प्लीट हो जाता है आप ये समझना आप ये मत समझना दोस्तों कि हमने फीस जमा कर दी तो हमारा एडमिशन कम्प्लीट होगा जी नहीं अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करोगे तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा इस बात का विशेष ध्यान रखना है तो आपके डॉक्यूमेंट कब जमा होंगे एक अक्टूबर के बाद में आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे या आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है उस कॉलेज से टच में रहना है कॉलेज से आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि डॉक्यूमेंट सबमिट होना स्टार्ट हो गए हैं तो आप अपने कॉलेज से भी टच में रहिए वैसे मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी बता दूंगा कि डॉक्यूमेंट कब से सबमिट होना स्टार्ट होंगे ठीक है सारी जानकारी समझ में आ गई है डॉक्यूमेंट सबमिट करना एक इम्पोर्टेंट काम है अगर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते हो एडमिशन फीस जमा करने के बाद में तो आपका एडमिशन भी कैंसिल किया जा सकता है विशेष ध्यान रखना इस बात का अपने माइंड में सेट कर लेना इस बात को ठीक है सारी जानकारी समझ में आ गई है मिलते अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ तब तक लिए बाय